हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं इलेवेंथ क्लास के सेकंड चैप्टर का आठवां वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विमीय सूत्र का प्रयोग, मतलब भौतिक राशि के विमा का प्रयोग। और पहला प्रयोग मैं इसके पहले वीडियो में बताया था, इसमें हम लोग दो अन्य प्रयोग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो विमा का प्रयोग, भौतिक राशि के विमा का प्रयोग पहला में बताया था क्या करने के लिए। तो किसी भौतिक राशि के मापन को, किसी भौतिक राशि के मापन को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, हम लोग एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे अभी मैं दो क्वेश्चन इसके पहले लेक्चर में करवाया था कि एसआई से कैसे सीजीएस में बदलते हैं। विमा का जो दूसरा प्रयोग है वो है किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता का जांच करना, जांच करना। इसमें क्या करते हम, तो भौतिक राशि की सत्यता का जांच कर कैसे करते हैं हम लोग विमा का प्रयोग करके। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब समानता का सिद्धांत होता है। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम लोग दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ेंगे जब दोनों एक ही प्रकार का भौतिक राशि को व्यक्त करता है। कहने का मतलब अलग अलग, जैसे बल को बल के साथ ही जोड़ सकते हैं, वेग को वेग के साथ ही जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, कार्य को कार्य के साथ ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। मतलब हम लोग समान जाति के भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि हम लोग दो समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अलग अलग भौतिक राशियों को नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते। गुणा भाग तो कर सकते हैं, लेकिन जोड़ या घटाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समान भौतिक राशि को ही जोड़ना पड़ेगा। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, समानता का सिद्धांत। और समानता के सिद्धांत के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, तो कोई भी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता का जांच करेंगे। तो इसे हम लोग एक क्वेश्चन के द्वारा जानते हैं। मान लो कि अपने पास कोई समीकरण दिया हुआ, एक सिंपल सा समीकरण ले लो, बी बराबर यू प्लस एपी। यह समीकरण सत्य है या नहीं है इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखो, अभी मैं बताया समानता के सिद्धांत में कि हम लोग समान राशि को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। कहने का मतलब इसमें कितने टर्म है, इधर दो टर्म है और इधर क्या है, एक टर्म है। तो यदि हम यहां पर इसको, ये वेग है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेग, और ये भी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वेग। और वेग का विमीय सूत्र क्या होगा, सेम। मतलब इस समीकरण के प्रत्येक पद का जो विमा होगा क्या होगा, समान होगा। इस समीकरण के प्रत्येक पद का जो विमा होगा वो क्या होगा, समान होगा। और यदि किसी समीकरण के प्रत्येक पद का विमा समान होता है, मतलब वो समीकरण विमीय रूप से सत्य है। विमीय रूप से क्या है, सत्य। करने का मतलब यहां पर देखिए, तो इस समीकरण की सत्यता की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले v का विमा लिखेंगे। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी तो वेग होता है, तो वेग का विमा क्या होता है बताओ। तो अभी बताया था m0 l1 t पर पावर -1। u क्या है, तो प्रारंभिक वेग होता है,
तो यू का विमा लिखेंगे तो यू का विमा भी क्या होगा, एम जीरो एल वन टी पे पावर माइनस वन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? अच्छा, एटी का भी विमा लिखेंगे, एटी का विमा लिखेंगे तो ये मतलब त्वरण, तो त्वरण की विमा होता है एम जीरो एल टी पे पावर माइनस टू, और टी का विमा टी हो जाएगा टी पे पावर वन, सब सम्मिलित कर दो तो एम जीरो एल पे पावर वन और टी पे पावर माइनस टू और टी पे पावर वन, कितना हो जाएगा टी पे पावर माइनस वन। अब यहां पर देखो, प्रत्येक पद, फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद, प्रत्येक पद की विमीय सूत्र क्या आया, समान आया, आया या नहीं आया? और यदि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र क्या आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब ये समीकरण क्या है, सत्य है। डायमेंशनली मतलब विमीय रूप से सत्य है, बात समझ में आया? दूसरा एक और क्वेश्चन ले लो, मान लो अपने पास कोई समीकरण है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यह बताना है कि यह जो समीकरण लिखा गया है वो सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। तो इस चीज की सत्यता के जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक पद का विमा लिखेंगे, प्रत्येक पद का क्या करेंगे, विमा लिखेंगे। तो आइए प्रत्येक पद का विमीय सूत्र लिखते हैं। प्रथम पद एस है तो एस क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन का विमा क्या होता है, एम जीरो एल वन टी जीरो, केवल लंबाई है, मास नहीं है और टाइम भी नहीं है। यूटी का विमा लिखो तो यूटी का विमीय सूत्र क्या है, तो यू की विमा वेग, यूटी मतलब वेग, तो एम जीरो एल वन टी पर पावर माइनस वन, और इधर क्या हो जाएगा टी, टी के लिए टी, तो यहां एम जीरो एल वन टी पे पावर माइनस वन और टी पे पावर वन, टी पे पावर क्या हो गया जीरो। आपको बता दे कि जो संख्यात्मक वैल्यू होती है उसका कोई विमा नहीं होता, मतलब ये वन बाय टू का कोई विमा नहीं होगा, तो हम लोग यहां पर किसका लिखेंगे, ए टी स्क्वायर की विमा। तो ये मतलब त्वरण है, तो त्वरण की विमा एम जीरो एल वन टी पे पावर माइनस टू, टी स्क्वायर मतलब टी पर पावर टू, अब इसको सम्मिलित कर दो पूरा तो एम जीरो एल पे पावर वन और टी पे पावर माइनस टू और टी पे पावर टू, टी पे पावर क्या हो गया जीरो हो गया। तो यहां पर देखो कि प्रत्येक पद, प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद, तीनों पद का विमा क्या है, एक समान आया, और यदि तीनों पद की विमा क्या हो जाए, समान हो जाए, मतलब अपना समीकरण क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन दिया रहता है गैस, आइडियल गैस का है ये, पी माइनस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू होता है एन आर टी इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है पी माइनस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर क्या है आर टी दिया हुआ है, तो विमा के प्रयोग करते हुए ये और बी का विमीय सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, ये और बी का इक्वेशन, ये और बी का विमा लिखना है। यहां पर ये और बी जो राशि है इसका हमें क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखना है, बात समझ में आया क्या। पी माइनस ए बाय बी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी एक समीकरण है, यहां पी जो है प्रेशर है, पी मतलब दाब, ये वी मतलब आयतन, यहां वी किसके लिए आया है, आयतन के लिए, बात समझ में आ रहा है, और टी जो है वो किसके लिए आया है, तो टेम्परेचर के लिए है, और आर क्या है, आर आइडियल गैस का स्थिरांक है। तो यहां पर बोल रहा है ए और बी का विमा क्या होगा, ए और बी का विमा क्या होगा, तो आइए हम लोग वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे कि हम लोग समान भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहां पर देखो, p माइनस ए बाय बी स्क्वायर जो है, p
ई माइनस ए बाई वी स्क्वायर क्यू है। ये क्या है बताओ, एक टर्म है। इस टर्म में जो पद पी का विमा होगा वही इस पर इसका विमा होगा, ए बाई वी स्क्वायर का। तो हम लोग यदि पी का विमा लिखे तो पी बराबर होता है एफ बाई ए, दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का विमीय सूत्र अभी मैं लिखा था एम वन एल वन टी पे पावर माइनस टू, ये मतलब एरिया तो एल स्क्वायर। तो पी बराबर हो जाएगा, पी का जो विमीय सूत्र आएगा वो कितना होगा, तो एम पे पावर वन एल पे पावर माइनस वन, ये स्क्वायर ऊपर जाके माइनस टू प्लस वन आ जाएगा, और ये टी पे पावर माइनस टू। तो ये किसका विमा हो गया, दाब का विमा सूत्र। अच्छा वी यहां पर वी क्या है, आयतन, तो आयतन मतलब एल क्यूब आएगा। तो आयतन का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, एम जीरो एल क्यूब टी जीरो। आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो तीनों लंबाई ही आएगा, तो ये आयतन का क्या हो गया, विमीय सूत्र। तो मैं बोला कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि यदि दो पद है तो दोनों पद जोड़ा या घटाया गया तो दोनों पद की विमा क्या होगा, समान। मतलब यहां जो P का विमा होगा बराबर क्या होना चाहिए, ए बाई वी स्क्वायर की विमा, यही होगा क्या। तो P का विमा क्या लिखा मैं अभी, तो M1 L पे पावर माइनस वन T पे पावर माइनस टू। ये का विमा तो अभी पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। V का विमा अभी मैं लिखा, वी स्क्वायर का हो जाएगा M0 एल स्क्वायर टी जीरो का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये एल पे पावर फोर हो जाएगा। अब हमें ये का विमा निकालना है, तो ये की विमा होगा तो ये इधर गुणा कर दो, तो एम वन एल पे पावर माइनस वन टी पे पावर माइनस टू, और ये इधर आएगा तो एम जीरो एल पे पावर फोर टी पे पावर जीरो। दोनों को क्या कर दो, सम्मिलित करो, तो m पे पावर वन l पे पावर फोर और माइनस वन, तो l पे पावर थ्री और t पे पावर माइनस टू। तो ये किसका विमा हो गया, a की विमा। अब हमें क्या निकालना है, v की विमा। तो v का विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। v माइनस b दिया हुआ है, मतलब v और b को जोड़ा घटाया गया है, तो V की जो बीमा होगा वो किसका बीमा होगा, B का बीमा। तो V का बीमा कितना है बता, तो V का बीमा हो गया M0 L क्यू T0, तो V का बीमा यही हो जाएगा क्या। बात समझ में आ रहा है ना, जो P का V का बीमा होगा वही किसका बीमा होगा, B का। तो यहां से v का विमा क्या हो जाएगा, m0 l3 t0। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहां से हम लोग v a और b का विमा निकाल सकते हैं। तो ये था विमीय सूत्र का क्या दूसरा उपयोग। विमीय सूत्र का जो तीसरा उपयोग है वो क्या है, तो यदि किसी भौतिक राशि का मूल राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, यदि किसी भौतिक कोई भौतिक राशि है और वो भौतिक राशि किन 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 मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है ये बात पता हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशन मतलब संबंध स्थापित कर सकते हैं। भौतिक राशि का दूसरे अन्य भौतिक राशि के साथ क्या कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। विमा का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, एक भौतिक राशि का संबंध दूसरे भौतिक राशि के साथ क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, जब हमें ये बात पता हो कि वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, किन किन भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है। इस चीज को हम लोग जानते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एक एग्जांपल से इस प्रयोग के बारे में हम जानते हैं। हमें एक बात पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स करने का मतलब अभिकेंद्रीय बल है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो एफ जो है वो निर्भर करता है द्रव्यमान पर, और किस पर निर्भर करता है,
वेग पर, और किस पर निर्भर करता है तो त्रिज्य पर। मतलब कोई वस्तु यदि सर्कुलर मोशन में है, कैसे मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल लगता है वो डिपेंड करता है इस कण के द्रव्यमान पर, वेग पर, और किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्य पर। तो कहता है कि F के लिए सूत्र निकाले, F के लिए क्या निकाले, सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब F का m v और r पर F जो है वो किस प्रकार निर्भर कर रहा है, इस बात को आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। सूत्र हमें यहां डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है F का, किसके टर्म में, m v और r के टर्म में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए जानते हैं। हमें यह बात पता है कि F जो है वो निर्भर कर रहा है किस पर, m पर, v पर और R पर। किस प्रकार निर्भर कर रहा है ये बात हमें पता नहीं है, वही चीज हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे चीज को स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि F इक्वल टू जो होता है वो K M का पावर A पर, V का पावर B पर और R के पावर क्या है, C पर निर्भर कर रहा है। कि M जो है, F जो है वो इस तरह से निर्भर कर रहा है। K क्या है, कॉन्स्टेंट है, अज्ञात कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग संबंध स्थापित करने के लिए किसका मान चाहिए, ए बी और सी। तो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का बीमा, दोनों पक्ष का बीमा लिखेंगे। तो इस पक्ष का बीमा लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, तो बल का बीमा होगा एम पे पावर वन, एल पे पावर वन और टी पे पावर माइनस टू। ये इधर का बीमीय सूत्र हो गया, के कांस्टेंट है जिसका कोई बीमा नहीं होता है। तो इधर होगा एम द्रव्यमान, मतलब एम पे पावर क्या हो गया, ये दूसरा पद वेलोसिटी है वेग, तो वेग का बीमा होता है एम जीरो, एल वन, टी पे पावर माइनस वन, पे पावर क्या हो गया, बी। उसके बाद तीसरा टर्म क्या है, आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या लंबाई है, तो एल पे पावर क्या हो गया, सी। अब हम क्या करेंगे, इधर ज्यों का त्यों उतार दो, एम वन, एल वन, टी पे पावर माइनस टू। इधर देखो एम पे पावर ये और यहां पर एम पे पावर जीरो, तो सम्मिलित करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम पे पावर ये। दूसरा देखो इधर एल पे पावर बी और एल पे पावर सी, दोनों का बेस समान है, पावर जुटेगा, एल पे पावर बी, एल पे पावर सी, तो ये हो जाएगा एल पे पावर बी प्लस सी। उसके बाद टी पे पावर माइनस बी और इधर नहीं है, तो टी पे पावर केवल क्या आ जाएगा, माइनस बी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष में तुलना करेंगे कि इधर एम पर पावर दोनों तो इक्वल है, तो इधर जितना एम का पावर होगा उधर इतना ही होगा, तो दोनों पक्ष पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करके हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, वन, यहां पर एल के पावर कितना है, बी प्लस सी, और इधर कितना है, वन, तो बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, वन। इधर टी के पावर माइनस बी और इधर टी के पावर माइनस टू, तो तुलना करेंगे तो माइनस बी बराबर कितना होगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी बराबर कितना बच गया, टू। अब यहां से हम सी का वैल्यू निकाल लें, तो टू प्लस सी बराबर वन, तो सी पावर कितना हो गया, सी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वन। अब ये सारा वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो ए बी सी का, तो एफ का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या होगा, के एम पे पावर ये का वैल्यू कितना, वन, V पर पावर B मतलब V का पावर 2 और R पे पावर माइनस वन। इसको और अच्छे से लिखोगे तो K M V स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R। विमा का सबसे बड़ा यहां पर रिलेशन स्थापित करने में सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि इस नियतांक को हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस नियतांक को यहां पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि ये K का वैल्यू कितना होगा, ये इसका डिमेरिट है। विमीय सूत्र का संबंध एफ एम पर निर्भर करता है, वी पर निर्भर करता है, आर पर, लेकिन ये नियतांक कितना होगा ये हम यहां से डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं, और ये विमा का सबसे बड़ा डिमेरिट है।
हम लोग एग्जैक्ट रिलेशन नहीं स्थापित कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी बता सकते हैं कि एम का समानुपाती है, वी के स्क्वायर का समानुपाती है और आर के व्युत्क्रमानुपाती है। आइए एक और क्वेश्चन जानते हैं। एक सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम का जो आवर्त काल है, आवर्त काल मतलब समय है, वो निर्भर करता है इसके लंबाई पर, स्ट्रिंग के लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर। ये किन आवर्त काल किस पर डिपेंड कर रहा है? एल पर और जी पर। कह रहा है कि विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? विमीय सूत्र ज्ञात। सॉरी, कह रहा है कोई सिंपल पेंडुलम है, सरल लोलक है, इस सरल लोलक का जो आवर्त काल होगा, आवर्त काल कहने मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है वो इस स्ट्रिंग की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है। तो टी के लिए फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, समय आवर्त काल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, वो भी किसका प्रयोग करके? विमा का प्रयोग करके। तो आइए देखते हैं, अभी मैं बताया क्या करना है। तो सबसे पहले हमें पता नहीं है कि कैसे निर्भर कर रहा है, तो यहां पर कह देंगे कि टी जो है मान लो वो के प्रोपोर्शनल है, नियतांक है, एल पे पावर ए और जी पे पावर बी, इस प्रकार से निर्भर करता है। अब इसके आगे का स्टेप क्या करेंगे? तो इसके आगे का स्टेप है टी जो है, इधर एलएचएस का विमा लिखो, तो एलएचएस का विमा एम जीरो एल जीरो टी पे पावर वन, समय का यह विमा हो गया। के का कोई विमा नहीं होता है, इधर का विमा लिखो, एल का पावर विमा क्या होगा बताओ? एल मतलब लंबाई, मतलब एम जीरो एल वन टी जीरो। जी का विमा त्वरण है, तो त्वरण की विमा एम जीरो एल वन टी पे पावर माइनस टू, यहां पर पावर ए और यहां पर पावर बी, दोनों पक्ष विमा लिखा, पहले सम्मिलित कर दो, तो एम जीरो एल जीरो टी वन, इधर का विमा हो गया, इधर का विमा देखो एम पे पावर जीरो एम पे पावर जीरो, तो यहां पर एम पे पावर क्या हो गया? जीरो। इधर देखो एल पे पावर ए और इधर से एल पे पावर बी, मतलब एल पे पावर ए प्लस बी, इधर टी पे पावर जीरो और टी पे पावर माइनस टू बी, तो यहां होगा टी पे पावर माइनस टू बी। अब क्या करेंगे? दोनों पक्ष इक्वल है तो तुलना करेंगे, तो यहां पर एम और एम तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो एल पे पावर क्या है? ए प्लस बी, और इधर एल पे पावर जीरो, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? जीरो। उसी तरह से टी पे पावर यहां कितना है? माइनस टू बी, और इधर कितना है? वन, तो यहां पर टी पे पावर कितना हो गया? माइनस टू बी, तो बी बराबर यहां से निकाल दो तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू। वी का सूत्र आ गया, इस बी का वैल्यू यहां रख दो तो ये माइनस वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, तो ये बराबर क्या हो गया? वन बाई टू। तो ये का वैल्यू कितना आया था? ये इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये इक्वल टू वन बाई टू, और बी इक्वल टू कितना आया था? माइनस वन बाई टू। तो इस तरह से जो टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? के एल पे पावर वन बाई टू और बी पे पावर माइनस वन बाय सॉरी जी पे पावर माइनस वन बाय टू। इसको हम लोग अच्छे से अरेंज कर ले तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एल पे पावर रूट टू, एल हो जाएगा रूट में और जी पे पावर माइनस वन है वो नीचे आ जाएगा, तो ये रूट का क्या आ जाएगा? जी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हम लोग विमा की सहायता से क्या निकाल सकते हैं? आवर्त काल, दोलन गति करते हुए कण का आवर्त काल का सूत्र। विमीय सूत्र का डिमेरिट क्या है? तो विमीय सूत्र जो है, अभी हम इसका प्रयोग देखें, तो विमीय सूत्र का दो इंपॉर्टेंट प्रयोग, अभी हम लोग वैसे पढ़े तीन, लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रयोग देखें कि एक तो सत्यता का जांच कर रहा था, समीकरण की सत्यता का जांच, सत्यता की जांच कर रहा था, और दूसरा क्या कर रहा था? दूसरा कर रहा था डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहा था। ये दोनों से सत्यता की जांच में हम लोग देख रहे थे कि वहां प्रत्येक पद जो था,
का बीमा क्या होना चाहिए? सेम। तो वो समीकरण बीमीय रूप से क्या था? सत्य था। यदि मैं बोलूं कि s बराबर ut प्लस at स्क्वायर का समीकरण सत्य है क्या? तो ये समीकरण देखो बीमीय रूप से सत्य होगा, मतलब l इसका बीमा हो जाएगा m0 l t0, विस्थापन है इसका बीमा भी वही हो जाएगा m0 l t0, ये और इसका भी बीमा क्या हो जाएगा m0 l0 l1 t0। लेकिन रियली में क्या यह समीकरण सत्य है? नहीं, ये रियल समीकरण क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है लेकिन फिजिकली यह सत्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो एक बीमा की के द्वारा हम कह सकते हैं कि यह समीकरण की सत्यता का जांच करता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं बता पाता है कि यहां पर कांस्टेंट क्या है। उसी तरह से फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी मैं किया, फॉर्मूले का डेरिवेशन जैसे t इक्वल टू क्या किया था? k अंडर रूट l बाय जी। रियली में इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट l बाय जी। अब यहां से 2 पाई k का वैल्यू हम डिटरमाइंड नहीं कर पाते बीमा के द्वारा कि k कितना होगा, तो ये बीमा का क्या था? डिमेरिट था। ये विमीय सूत्र का क्या था? डिमेरिट था। बात समझ में आ रही है? तो ये बीमा था और विमीय सूत्र का प्रयोग। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बीमा से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि रियल गैस का जो समीकरण होता है वो होता है पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये रियल गैस का समीकरण है। कहता है यहां पर पी जो है वो प्रेशर है, पी क्या है? प्रेशर मतलब दाब। वी जो है वो आयतन है, वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। और ये और बी कांस्टेंट है, ये और बी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये और बी की विमा ज्ञात कीजिए, तो ये और बी की विमा ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी मैं बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? समानता का सिद्धांत क्या है? कि हम दो समान राशि को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल को हम यहां पर अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर देखो पी जो है पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, पी के साथ किसको जोड़ा गया है? ए बाई बी स्क्वायर को। तो जो पी का बीमा होगा वही किसका बीमा होगा? पी का बीमा जो होगा वही किसका बीमा होगा? ए बाई बी स्क्वायर का बीमा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब पी का बीमा क्या होगा? तो पी क्या है? दाब है। तो पी इक्वल टू सूत्र क्या होता है? तो पी इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का विमीय सूत्र एम वन एल वन टी पे पावर माइनस टू। ये एरिया है तो इसका हो जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो। ये विमीय सूत्र हो गया। इस राशि को ऊपर ले जा तो ये हो जाएगा एम वन एल स्क्वायर, ऊपर जाके एल पे पावर माइनस टू और प्लस वन, तो एल पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस वन और टी पे पावर माइनस टू। तो ये हो गया किसका बीमा? पी की बीमा। दूसरा यहां पर क्या है? वी। वी क्या है? आयतन। आयतन का सूत्र देखना क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो वी का बीमा यदि मैं लिखना चाहूं आयतन का, तो एम जीरो एल क्यू टी जीरो। ये किसकी बीमा है? वी की बीमा। हमें अब क्या कह रहा है कि ए बाई बी स्क्वायर, ए की बीमा ज्ञात करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाए हैं कि जब दो राशि जोड़ा जाए तो जो दोनों राशि की जो दोनों पद की जो बीमा होगी वो समान होगी। मतलब जो p का बीमा होगा वही किसका बीमा होगा? a by v स्क्वायर का। अब यहां पर p का बीमा ये हो गया, v का बीमा ये हो गया, यहां पर यही कॉन्सेप्ट अप लगा। तो p का बीमा कितना? m1 l पे पावर माइनस वन t पे पावर माइनस टू, और इधर बराबर क्या आ जाएगा?
ये बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर करेंगे मतलब एम जीरो एल क्यू टी जीरो पर पावर कितना स्क्वायर। तो क्या करेंगे अब इसको इधर भेज दो तो ये की बीमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम पे पावर वन एल पे पावर माइनस वन टी पे पावर माइनस टू और इधर हो जाएगा एल पे पावर थ्री इंटू टू सिक्स। सम्मिलित कर दो सबको तो ये की बीमा जो हो जाएगा वो होगा क्या एम पे पावर वन और एल पे पावर सिक्स में से माइनस वन जाएगा तो एल पे पावर फाइव टी पे पावर माइनस टू। तो ये हो गया अपना किसका एक अभिमीय सूत्र। आगे हम लोग को दूसरा पार्ट देखना है। हम यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि वी में वी को घटाया गया है और दो राशि को तभी हम घटा पाएंगे जब दोनों का बीमा क्या होगा समान होगा। तो यहां पर सेम कॉन्सेप्ट लगा, यहां पर क्या होगा वी की बीमा बराबर बी की बीमा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों का विमीय सूत्र लिखो तो V की विमीय सूत्र अभी बताया एम जीरो एल वन सॉरी एल क्यू टी जीरो बराबर V की विमा ज्ञात करना हमें तो यही हो जाएगा V की विमा। तो ये हो गया अपना किसका V की विमा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या A और B का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते। तो ये था अपना विमा।